हे व्हाट्सअप पीपल, क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मंत्रा फिंगरप्रिंट स्कैनर की आरडी सर्विस को फ्री में कैसे एक्टिव करें लाइफ टाइम के लिए। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और यहाँ पर आपको एपीएस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है जो कि ट्रस्टेबल कंपनी होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। गाइस, जैसे ही मेरी मंत्रा फिंगरप्रिंट स्कैनर की आरडी सर्विस समाप्त हुई तो मुझे कुछ इस प्रकार का मैसेज हो रहा था। जब मैं आधार कार्ड से लोगों के पैसे निकाल रहा था, बैलेंस क्वारी कर रहा था, मिनी स्टेटमेंट निकाल रहा था और मैं लोगों के आधार कार्ड से पैसे नहीं निकाल पा रहा था क्योंकि ये मैसेज शो हो रहा था। इसका अर्थ था कि मेरी आरडी सर्विस समाप्त हो चुकी है। अब आपको आरडी सर्विस एक्टिव करने के लिए 118 रुपये पे करने पड़ेंगे। मैंने सोचा कि यार इंटरनेट पे तो बहुत कुछ मिलता है। मैंने इंटरनेट पे ऐसा सर्च करा कि मंत्रा फिंगरप्रिंट आरडी सर्विस को फ्री में एक्टिवेट कैसे करें, तो 20-25 वीडियो आ गई। मैंने 10-15 वीडियो देखी, समय बस फेक ही बता रखा था। कोई भी नहीं बता रहा था कि आरडी सर्विस को एक्टिव कैसे करें। कुछ बताता था इस ऐप को डाउनलोड करो, कोई बता रहा है कि इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो, इसको करो, इसको करो। मैंने कुछ करा पर जब भी फ्री में कोई एक्टिवेट नहीं हुई। पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा फ्री में आरडी सर्विस को एक्टिव कैसे कर सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए और 1 साल के लिए। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बताता हूँ किसको आरडी सर्विस फ्री मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, वो भी मंत्रा फिंगरप्रिंट स्कैनर की। अगर आप मेरे जैसे भारत एटीएम ऐप चलाते हो या पेनियर बाई ऐप चलाते हो या स्पाइस मनी ऐप चलाते हो, तो अगर आप मेरे रिटेलर हो तो मैं आपको एक साल के लिए आरडी सर्विस फ्री दूंगा। मैं सबका रजिस्ट्रेशन फ्री में कर दूंगा, पर आपको इसके लिए मेरे रिटेलर बनना पड़ेगा। जैसे आप भारत एटीएम ऐप का रिटेलर बनना पड़ेगा। जो भारत एटीएम ऐप का रेफरल कोड आपको इसको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आपको वो रेफरल कोड अपने भारत एटीएम ऐप में डालना है। जिसने भी मेरा रेफरल कोड यूज़ कर रखा है वो मुझसे डायरेक्ट आरडी सर्विस ले सकता है। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे आरडी सर्विस चाहिए फ्री में, वो भी 1 साल के लिए। तो आप मैसेज डालोगे, मैसेज डालने के बाद अपना जो भी जो पीछे कोड होता है ये कोड बताना पड़ेगा। एक बॉक्स के पीछे भी कोड होता है, ये वाला जो कोड होता है इसके बगल में, वो कोड आपसे मैं पूछ लूँगा मैसेज पर ही। तो ये कोड बताना होगा आपको। वो बताने के बाद मैं आपका 1 साल के लिए आरडी सर्विस का रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, वो भी फ्री में। अब आप बोलोगे आप फ्री में क्यों कर रहे हो और इतने सारे लोगों का क्यों कर रहे हो। तो यार जैसे आप मेरे रिटेलर बन जाओगे तो आप भी मुझे कमीशन दोगे। कैसे कमीशन दोगे? आप आधार कार्ड से लोगों के पैसे निकालोगे, बैलेंस क्वारी करोगे, मनी ट्रांसफ़र करोगे, उस पर मुझे कुछ कमीशन मिलेगा जब आप रिटेलर हो। तो यार मैं चाहता हूँ कि आप इतना मुझे पैसा कमा के दे रहे हो और मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपके लिए कुछ तो करूँ। तो मैंने सोचा कि आपको आरडी सर्विस 1 साल के लिए फ्री में दूंगा, 1 साल के लिए। और जब 1 साल की वो आरडी सर्विस समाप्त हो जाए तो फिर दोबारा आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सर मैं आपका रिटेलर हूँ, आप मुझे दोबारा से 1 साल के लिए आरडी सर्विस फ्री रजिस्ट्रेशन कर दो, मैं फ्री में रजिस्ट्रेशन आपका कर दूंगा, कोई चार्ज नहीं लूँगा। केवल आपको पेनियर बाई ऐप या स्पाइस मनी ऐप या भारत एटीएम ऐप के मेरा रिटेलर बनना पड़ेगा। रिटेलर बनना और कुछ नहीं, आप मुझे भी कमा के देंगे और मैं आपको आपकी मंत्रा फिंगरप्रिंट स्कैनर की आरडी सर्विस वो भी बिल्कुल फ्री में रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। इसके लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे मेरी आरडी सर्विस समाप्त हो चुकी है, मेरी आरडी सर्विस को एक्टिवेट कर दीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताइए। और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल ही कर सकते हो।